जीएसटी वन में फिर से नया चेंज एप्लीकेबल हुआ है। ये हमारे टैब तो नए एक्टिव हो ही गए थे, इसके अलावा जो नीचे टैब्स है ना, ये बटन्स जो दिए हैं, यहाँ पे पहले आपको एक सबमिट बटन दिखता था, अब वो हटा दिया गया है, यानी इसे इजी कर दिया गया है। जो एक्स्ट्रा बटन थे ना, जो जिनकी जरूरत नहीं थी, वो हटा दिए। तो यहाँ मैं लाइव फाइल करके आपको दिखा रही हूँ, इस रिटर्न में मैंने सारा डेटा ऐड कर लिया है। अब मैं क्लिक कर रही हूँ जनरेट। हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज तो एक्टिव है ही, आपको पता है हमारे इनकम टैक्स के, जीएसटी के एंड अदर कोर्सेज एक्टिव है। और अब आप सभी के लिए हमने न्यूज लेटर लॉन्च करी है अपनी, दिस इज 3D न्यूज लेटर एंड फ्री फॉर यू। आप इसे यहाँ इस लिंक पे आके, जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे ईजिली रीड कर सकते हैं, इजिली आप सभी चीजों को रीड कर सकते हैं। तो हमारी न्यूज लेटर का बेनिफिट लीजिए और सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल में वीडियो के एंड में। यहाँ क्लिक करते ही मेरे सामने मैसेज आ गया, योर जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। पहले क्या होता था, जीएसटी वन में डेटा डालने के बाद ना काफी टाइम लगता था डेटा को प्रोसेस होने में, अब टाइम भी कम हो गया, प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो गया। तो हम इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही अब मेरे सामने जो बटन एक्टिव हुआ है ना, ये हो गया है प्रोसीड टू फाइल एंड समरी। अब यहां से मुझे कंसोलिडेटेड समरी देखने की भी ऑप्शन आ जाएगी एंड देन फाइल करने की भी। चलिए मैं इस पे क्लिक कर लेती हूँ। देखिए जैसे ही क्लिक किया, कंसोलिडेटेड समरी सबसे पहले शो हो गई, ठीक है। टेबल वाइज आपको सारा डेटा आपका दिख रहा है। अभी तक सबसे ज्यादा दिक्कत जीएसटी वन में क्या आ रही थी, नई जीएसटी वन जब से एक्टिव हुई थी नई चेंजेस के साथ, तो हमें टोटल दिखाई नहीं देते थे, ठीक है। अब आपको सारे टोटल भी अपने यहाँ दिखाई देंगे, इवन आप एक्सपैंड ऑल भी कर सकते हैं, आपको सारा आपका एक्सपेंडेड डेटा, कोलैप्स डेटा, आप किसी भी तरीके से जितनी भी यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है, जैसे इस केस में ना B2C में है डेटा, तो उसका अगर आपको जैसे मुझे डिटेल देखनी है तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना और मुझे डिटेल दिख जाएगी। रिसिपिएंट वाइज समरी भी यहाँ पे शो होती है, इसमें इतना डाटा नहीं है इसलिए यहाँ 0-0 आ रहा है। आपके केस में जितना भी डाटा है सारा आपको इस कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में मिलेगा। आप इस कंसोलिडेटेड फॉर्मेट को, इस समरी को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये आपकी हेल्प करेगी। इसको चेक कर लेना फाइल करने से पहले, ताकि कोई गलती ना हो। बहुत से पर्सन HSN समरी डालना भूल जाते हैं, डॉक्यूमेंट इश्यूड की डिटेल डालना भूल जाते हैं, डाला करें अपने GS7 में, ठीक है। तो अपना सारा डाटा करेक्ट हो जाए, जब आपका बिल्कुल सही हो, तो बस आपको क्लिक करना है अब फाइल स्टेटमेंट पे। मैं क्लिक कर लेती हूँ फाइल स्टेटमेंट पर और बस आप क्लिक करते ही जैसे आप पहले करते थे, आपको करना है वेरिफिकेशन, चाहे आप डिजिटल सिग्नेचर से करिए या EVC से। इधर छोटा सा चेंज जीएसटी वन में जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। कोई क्वेरी है जीएसटी वन के लिए, नए चेंजेस के लिए, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे कोर्सेज की। तो अगर आप आइटर्स फाइल करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी है या किसी और की, आइटर 1, 2, 3, 4 डिटेल में अगर आपको सीखनी है, तो हमारा इनकम टैक्स कोर्स एक्टिव है। इसमें हम आइटर सीखेंगे नए पोर्टल पे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट रहेगा ही नहीं आइटर को भरने में। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी का अपडेटेड कोर्स अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ पर्सन दोनों ही कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उनको कॉम्बो लेना यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, विच इज वेरी डिमांडेड कोर्स, और लिंक इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और साथ ही हमारी न्यूज लेटर का भरपूर बेनिफिट लीजिए, आपके बेनिफिट के लिए हमने ये न्यूज लेटर लॉन्च की है। इसमें आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, जितनी भी एक मंथ में आई है वो सारी यहाँ पे कवर करी गई हैं, और इवन कंप्लायंस कैलेंडर भी है मई 2022 का, ठीक है। इजीली आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप आगे फर्दर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।